सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि प्रो कबड्डी सीजन 8 22 दिसंबर से शुरू हो चुका है। 1 दिसंबर को प्रो कबड्डी सीजन 8 का शेड्यूल आया था, जहां पे सिर्फ एक ही हाफ का शेड्यूल हमें देखने को मिला था। एंड जो सेकंड हाफ का शेड्यूल है वो यहां पे हमें जनवरी के मंथ में देखने को मिल जाएगा। एंड फाइनली प्रो कबड्डी ने सेकेंड हाफ का भी शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। पूरा सेकेंड हाफ का शेड्यूल आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो होने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि पहले हाफ में टोटल 66 मैचेस का प्रो कबड्डी ने शेड्यूल रिलीज किया था, यानी कि 20 जनवरी तक का हमें शेड्यूल देखने को मिला था। एंड आज का डेट है 17 जनवरी, यानी कि 16 जनवरी को प्रो कबड्डी ने फाइनली सेकेंड हाफ का शेड्यूल अनाउंस कर दिया है। अब जो इसमें कुछ कमी हमें देखने को मिली है, बिकॉज यहाँ पे जो शेड्यूल है वो अभी तक पूरा अनाउंस नहीं हुआ है, यानी कि टोटल 20 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक का शेड्यूल यहाँ पे प्रो कबड्डी ने अनाउंस किया है। एंड जो आने वाले मैचेस के शेड्यूल है वो अभी तक अनाउंस नहीं, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 15 से 20 दिन का शेड्यूल अभी भी बचा हुआ है। एंड 30 मैचेस तक का शेड्यूल और भी आना बाकी है, जो यहाँ पे हम आगे बात करें कि आखिर वो कब आएगा या फिर नहीं आएगा, उसके बारे में आगे बात करने वाले हैं। एंड सबसे पहले आपको बता दूं, सेकंड हाफ का जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पे पटना पाइरेट्स वर्सेस बेंगलुरु बुल्स के बीच में होगा। पिछले ही दिन यहाँ पे पटना एंड बेंगलुरु के बीच में बहुत ही घमासान मैच देखने को मिला था, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, जहाँ पे पटना की टीम जीत गई। अब इस टॉपिक को रखते एक तरफ, अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं प्रो कबड्डी सीजन 8 के शेड्यूल के बारे में। मैं आपको बता दूं कि प्रो कबड्डी सीजन 8 का फाइनल 26 फरवरी को खेला जाएगा। अब सबसे पहले यहां पे शेड्यूल पे नजर डाल लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि प्रो कबड्डी सीजन 8 दो भाग में आने वाला था। जो पहला शेड्यूल है वो यहां पे 66 मैचेस तक एंड हो गया था, जो यहां पे 20 जनवरी को खेला जाएगा तमिल थलाइवस एंड गुजरात जायंट्स के बीच में। एंड उसी दिन से जो सेकंड हाफ का शुरुआत हो जाएगा, दूसरा मैच बेंगलुरु बुल्स एंड पटना पायरेट्स के बीच में खेला जाएगा। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे पहला इमेज देख सकते हैं सेकंड हाफ के शेड्यूल का, जहां पे मैं आपको टोटल 67 मैचेस से लेकर 74 मैचेस का शेड्यूल बता रहा हूं। 67 मैच यानी कि 20 जनवरी को खेला जाएगा बेंगलोर एंड पटना के बीच में। देन दोस्तों, यहां पे 21 जनवरी को दो मैचेस खेले जाएंगे, मैच नंबर 68 दबंग दिल्ली एंड हरियाणा सिल्स के बीच में खेला जाएगा। उसी दिन का सेकंड मैच बंगाल वॉरियर्स एंड यूपी ओदा के बीच में खेला जाएगा। टाइमिंग तो आपको पता है कि 7:30 एंड 8:30, जिस दिन ट्रिपल हेडर होने वाला है उस दिन 9:30 बजे मैचेस खेले जाएंगे। एंड दोस्तों, यहां पे अगला दिन यानी कि 22 जनवरी को टोटल 3 मैचेस होने वाले। जो पहला मैच है वो यहां पे पटना पायरेट्स एंड पुणे पल्टन के बीच में खेला जाएगा। सेकंड मैच यू मुंबई एंड तेलुगु टाइटंस के बीच में खेला जाएगा। एंड उसी दिन का तीसरा मैच जयपुर पिंक पैंथर्स एंड तमिल थलाइवस के बीच में खेला जाएगा। अब बढ़ते 23 जनवरी में, तो गाइस यहां पे 23 जनवरी को दो मैचेस खेले जाएगा। पहला मैच यूपी ओदा एंड हरियाणा सिल्स के बीच में खेला जाएगा, दूसरा मैच गुजरात जायंट्स एंड बेंगलुरु बुल्स के बीच में खेला जाएगा। अब दोस्तों, बढ़ते अपने दूसरे इमेज की तरफ, यानी कि 24 जनवरी की तरफ। तो गाइस, 24 जनवरी को भी दो मैचेस होने वाले। जो पहला मैच है यहां पे बंगाल वॉरियर्स एंड जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में खेला जाएगा। एंड जो सेकंड मैच है यहां पे पुणे पल्टन एंड दबंग दिल्ली के बीच में खेला जाएगा। 25 जनवरी को भी दो मैचेस होने वाले। जो पहला मैच हरियाणा सिल्स एंड गुजरात जायंट्स के बीच में खेला जाएगा। एंड उसी दिन का सेकंड मैच तेलुगु टाइटंस एंड पटना पायरेट्स के बीच में खेला जाएगा। देन दोस्तों, 26 जनवरी को भी दो मैचेस होने वाले। रिपब्लिक डे के दिन भी आपको प्रो कबड्डी के मैचेस देखने को मिलेंगे। पहला मैच तमिल थलाइवस एंड यूम्बा के बीच में खेला जाएगा। एंड जो दूसरा मैच है वो यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स वर्सेस दबंग दिल्ली के बीच में खेला जाएगा। वही भी दोस्तों, बात की है 27 जनवरी की, तो गाइस 27 जनवरी को भी दो मैचेस होने वाले। पहला मैच यहाँ पे यूपी ओदा एंड जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में खेले जाएंगे। एंड जो दूसरा मैच है यहाँ पे गुजरात जायंट्स एंड पुणे पल्टन के बीच में खेला जाएगा। बढ़ते अगले इमेज की तरफ, तो गाइस यहाँ पे देख सकते जहाँ पे 28 जनवरी को भी दो मैचेस होने वाले। पहला मैच पटना पायरेट्स वर्सेज तमिल थलाइवस के बीच में खेला जाएगा। उसी दिन का सेकंड मैच पुणे पल्टन वर्सेज बंगाल वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा। देन दोस्तों, यहाँ पे अगला दिन यानी कि सैटरडे ट्रिपल हेडर होने वाला है। 29 जनवरी को टोटल आपको 3 मैचेस देखने को मिल जाएंगे। पहला मैच यूम्बा एंड हरियाणा सिल्स के बीच में खेला जाएगा। सेकंड मैच तेलुगु टाइटंस यूपी ओदा के बीच में खेला जाएगा। एंड उसी दिन का तीसरा मैच दबंग दिल्ली एंड गुजरात जायंट्स के बीच में खेला जाएगा। एंड 30 जनवरी को भी टोटल 2 मैचेस होने वाले। पहला मैच जयपुर पिंक पैंथर्स वर्सेज पटना पायरेट्स के बीच में खेला जाएगा। एंड जो सेकंड मैच है यहाँ पे बेंगलुरु बुल्स वर्सेज तेलुगु टाइटंस के बीच में खेला जाएगा। अब दोस्तों, बढ़ते अपने अगले इमेज की तरफ, तो गाइस यहां पे आप देख ही सकते हैं जहां पे 31 जनवरी को भी दो मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच हरियाणा सिल्स एंड पुणे पल्टन के बीच में खेला जाएगा। सेकंड मैच यू मुंबा वर्सेस दबंग दिल्ली के बीच में खेला जाएगा। बढ़ते अपने फरवरी मंथ की तरफ, तो गाइस फरवरी के मंथ का पहला दिन भी टोटल 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच बंगाल
बंगाल वॉरियर्स वर्सेज गुजरात जायंट्स के बीच में खेला जाएगा एंड उसी दिन का सेकंड मैच तमिल थलाइवास वर्सेज बेंगलुरु बुल्स के बीच में खेला जाएगा। बढ़ते सेकंड फरवरी की तरफ, तो गाइस यहां पे सेकंड फरवरी को यहां पे पहला मैच यूपी ओदा एंड पटना पायरेट्स के बीच में खेला जाएगा। सेकंड मैच पुणेडी पल्टन एंड यूम्बा के बीच में खेला जाएगा। पटना एंड यूपी के बीच में एक और मैच होने वाला है जो यहां पे सेकंड फरवरी 7:30 बजे होने वाला है शाम का। तो गाइस ये डेट मार्क कर लीजिए अगर आप प्रदीप नरवाल एंड पटना पायरेट्स के फैन है हो। तो बात की जाए 3 फरवरी की, तो गाइस यहां पे 3 फरवरी को भी टोटल 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच दबंग दिल्ली एंड जयपुर पिंक पैंथर्स के बीच में खेला जाएगा एंड सेकंड मैच तेलुगु टाइटंस वर्सेस तमिल थलाइवास के बीच में खेला जाएगा। बढ़ते अपने अगले इमेज की तरफ, तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं 4 फरवरी को टोटल 2 मैचेस खेले जाएंगे। जो पहला मैच यहां पे हरियाणा सिलर्स एंड बंगाल वॉरियर्स के बीच में खेला जाएगा एंड जो आखिरी मैच है सेकंड हाफ का वो यहां पे बेंगलुरु बुल्स वर्सेस यूपी ओदा के बीच में खेला जाएगा एंड जो सेकंड हाफ यहां पे एंड हो जाता है। टोटल 99 मैचेस तक यहां पे शेड्यूल यहां पे पीकेएल ने रिलीज किया है एंड टोटल 4 फरवरी तक होगा। 5 फरवरी का जो शेड्यूल है वो यहां पे आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल जाएगा। आखिर कब देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको पता है कि सेकंड हाफ का जो शेड्यूल है वो यहां पे 4 दिन पहले आया, तो जो थर्ड हाफ का शेड्यूल है वो भी हमें 4 दिन पहले देखने को मिल सकता है, 31 जनवरी या फिर 1 फरवरी, इसमें से कोई एक हो सकता है। लेकिन जो फाइनल है वो यहां पे कंफर्म हो चुका है, 26 फरवरी को हमें फाइनल देखने को मिल जाएगा एंड लगभग 23-24 या फिर 21 इसी दिन को यहाँ पे जो लीग स्टेजेस के मैचेस है वो यहाँ पे खत्म हो जाने वाले। तो गाइस यहाँ पे आप कितना एक्साइटेड हो सेकंड हाफ के लिए एंड स्पेशली सेकंड हाफ का जो शेड्यूल बताया, इसमें से आप कौन से मैच के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो, कोई एक पर्टिकुलर मैच के लिए आप कमेंट करके जरूर बताएगा। मेरे लिए तो पटना एंड यूपी का मैच है, आपके लिए कौन सा मैच है ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो गाइस लोग यही पैन करते हैं, वीडियो आपको थोड़ी पसंद आए इशू को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जोड़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। सो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मिलते हैं कौन है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।